दोस्तों, क्या आपने भी अपना सैमसंग मॉडल को रीसेट किया है और उसके बाद इस वेरीफाई पेज पर अटक गए हैं और इस वेरीफाई पेज को पास नहीं कर पा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना सैमसंग फ़ोन को इस वेरीफाई योर अकाउंट पेज को बाईपास कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको एक और फ़ोन की आवश्यकता होगी। ये मेरा वीवो का फ़ोन है और ये मेरा सैमसंग मॉडल है जिसको रीसेट किया गया है। नाउ मैंने इस जो जीमेल आईडी से साइन इन था उस वो जीमेल आईडी मैं भूल चुका हूँ। तो मैं कैसे इस पेज पे बाईपास करूँगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए और ध्यान रखें कि आपके जो दोनों फ़ोन हैं वह सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो। अगर आपका एक फ़ोन किसी और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और दूसरा फ़ोन किसी और वाईफाई नेटवर्क से, तो यह प्रोसेस कुछ कुछ फ़ोनों में तब काम नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट हों। अब इस में चल के सबसे पहले आप अपने भाषा को चेंज करके इंग्लिश यूएस कर दें और तब ओके क्लिक करें और देन इमरजेंसी कॉल खोलें और इसमें एक यूएसडी कोड लिखें *7*0*76#, और उसके बाद इंटर कर दें। देन एक अनदर यूएसडी कोड लिखें, तब इस टच बटन पर जाएं और इसको पूरी कंप्लीट करें। ओके फ्रेंड, जब आप उसे पूरी तरह से कलर कर देंगे तब आप वापस इसी पेज पर आ जाएंगे। तब इस ब्लू वाले सेक्शन को क्लिक करें। उसके बाद ग्रीन वाले और 5 सेकंड तक इसे छोड़ दें। क्लिक ऑन दिस बैक बटन पर क्लिक करें और उसके बाद टॉकबैक ओपन करें। टॉकबैक ओपन करने के लिए आपको वॉल्यूम की अप को दबाना है और पावर की को दबाना है 5 सेकंड के लिए। यूज पे क्लिक करें और फिर से यही प्रोसेस करें। अपोजिट एल ड्रॉ करें, यहाँ पे वॉइस कमांड पे जाएं, ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग्स। आप इसको टॉकबैक को बंद कर दें। सेम तरीका अब ध्यान दें, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, मैं लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पर इसको 7 बार क्लिक करें और तब जाके इस अबाउट लॉक स्क्रीन को क्लिक करके ओपन सोर्स लाइसेंस पर जाएं और इस पेज पर 10 सेकंड रहें। इस प्रोसेस के बाद अकाउंट एंड बैकअप ऑप्शन में जाके ब्रिंग फ्रॉम ओल्ड डिवाइस पे जाकर एग्री कर दें। अब आप अपने दूसरे फोन में चले जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर सैमसंग स्मार्ट स्विच जाकर डाउनलोड कर लें। मैंने यह पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे सीधा ओपन करता हूं। सीधा ब्रिंग डाटा फ्रॉम ओल्ड डिवाइस, इसको 5-6 बार क्लिक करें तो आपको मैसेज आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, नाउ सैमसंग स्मार्ट स्विच का मैसेज आ गया है।
यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और मोर बटन पर क्लिक करके अलाउ करें। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि हम वायरलेस चुनें और चूँकि यहाँ पर रिसीव डाटा चुने, अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को और स्किप बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर रिसीव डाटा पर जाएं और यहाँ पे अपना सोर्स चुने। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आईफोन से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आईफोन चुने। अगर आप गैलेक्सी या एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड पे क्लिक करें। आपने कनेक्शन किस तरह से लिया था तो वायरलेस को ही चूज करें, क्योंकि नाउ गेट कनेक्टेड। देखिए इनविटेशन टू कनेक्ट का मैसेज आ चुका है, इसको एक्सेप्ट करें। अगर आपने डिक्लाइन किया तो यह फिर प्रोसेस नहीं होगा। फिर से इस प्रोसेस को करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। गैलेक्सी एंड्रॉइड पे जाकर यहाँ पे वायरलेस का ऑप्शन चेंज करके गेट कनेक्टेड होने दे। इस प्रोसेस में कुछ समय लगेगा तो आप जल्दबाजी न करें। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्चिंग फॉर डाटा टू ट्रांसफर पे होने दे, इसे 100% होने दे। अगर आपने आप यहाँ एवरीथिंग पे ना जाएं, सिर्फ यहाँ कस्टम पर जाएं और कस्टम से नेक्स्ट पे जाकर अकाउंट्स पे जाकर ट्रांसफर कर दे। नाउ यहाँ पे ओके का बटन है और देखिए नाउ अब आप डन पे क्लिक करके गो टू होम स्क्रीन पे चले जाएं। अब आपके इस फोन की जरूरत खत्म हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। नाउ स्टार्ट पे क्लिक करें, एग्री पे जाएं, एग्री मोर एग्री देखिए दोस्तों जब डाटा ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद यहाँ पर गूगल ने हमें स्किप ऑप्शन दिया इस पेज को बाईपास करने के लिए। वीडियो के शुरुआत में यहाँ इस पेज पर किसी तरह का स्किप का ऑप्शन ही नहीं था, बट अब यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन है। तो इस स्किप को क्लिक करके मोर करके एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने फ़ोन का सेटअप कर लें। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अपना बैटरी कम से कम 50% रखें जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। अगर 50% से कम है तो शायद ये प्रोसेस आपका हो नहीं सकेगा, तो ये इस बात को ध्यान रखें। अब सेटअप करने के बाद अपने लैंग्वेज चुने और क्लिक कर दे नेक्स्ट पे। कंटिन्यू स्किप स्किप नाउ इंस्टॉल क्लिक फिनिश और नाउ यहाँ पे फिनिश का मैसेज है, फिनिश कर दें। तो FRP सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।